नमस्कार, मैं हूँ श्रुति चांदना और आप देख रहे हैं स्टार चटपटा न्यूज़। देखते रहिए आज के खास समाचार। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 225 से बसंती लाल मालवीय ने निर्दलीय नामांकन पत्र भरा, जो कि बसंती लाल मालवीय आमतौर पर विगत कई वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते थे। गौरतलब है कि भाजपा ने इसी विधानसभा से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को चौथी बार प्रत्याशी बनाया। भाजपा की इस नीति के चलते बसंती लाल मालवीय आहत हुए और अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन के बाद निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया। साथ ही बसंती लाल मालवीय ने बताया कि जब से मल्हारगढ़ विधानसभा का उदय हुआ, जब से एक ही चेहरा दिख रहा है और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। साथ ही मौजूदा सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, दर दर भटक रहे हैं, किसानों के हाल बेहाल हैं, कहीं खाद की तो कहीं बिजली के लिए। इसी को लेकर मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया है। मुझे भरोसा है कि मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। स्टार 24 न्यूज़, मंदसौर। नामांकन मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 225। मल्हारगढ़ विधानसभा का जब से उदय हुआ तब से अब तक एक ही एक चेहरा है और मल्हारगढ़ क्षेत्र की जनता चाहती है बदलाव। इसलिए बदलाव के उद्देश्य से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मेरा नामांकन दाखिल किया। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव मल्हारगढ़ क्षेत्र की जनता लड़ रही है। मल्हारगढ़ क्षेत्र की जनता की आवाज़ है कि बसंतीलाल जी, आप यदि हमको मौका देंगे तो हम आपको आशीर्वाद देंगे। तो मैंने मन बना लिया मल्हारगढ़ क्षेत्र की जनता की सेवा करना है और युवाओं में बड़ी खलबली है। युवाओं को अभी तक रोजगार से नहीं जोड़ा गया, किसानों को जो डिफाल्टर हो गए किसान, उन किसानों को खाद नहीं मिलता है समय से और जिनकी वास्तविक देन लेन जारी है उनको खाद मिल जाता है, लेकिन जो डिफाल्टर किसान हैं वो दर दर भटकते हैं।